मैं जो बिल लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें श्री अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर श्री विवेक ठाकुर जी तक पक्ष और विपक्ष के 20 सांसदों ने अपने अपने विचार इस बिल पर रखे। कुछ स्पष्टताएं भी मांगी गई, कुछ पॉलिटिकल कटाक्ष भी किए गए, कुछ हमारी मंशा पर सवाल भी उठाए गए और कुछ रचनात्मक सुझाव भी आए, मगर सभी प्रकार से सभी सदस्यों ने जो कुछ भी विचार इस सदन के पटल पर रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। उपसभापति महोदय, जब मैं बिल पायलट कर रहा हूं, तब मेरा दायित्व है कि बिल के बारे में जितनी भी बातें उठाई गई हैं, वो सभी बातों को बिल पायलट करने वाले मंत्री के नाते स्पष्टता मुझे सदन के पटल पर रखनी चाहिए और मैं एक एक कर सभी चीजों का जवाब इस सदन के सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये बिल लाने की भारत सरकार की संवैधानिक क्षमता पर सवाल उठाया गया कि भारत सरकार ये बिल ला सकती है या नहीं ला सकती, और उस वक्त माननीय डेढ़ साले फेडरल स्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजों के भी बहुत सारे सवाल उठाए गए। मैं सबसे पहले इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 AA में प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप लाया गया है। अगर इसको ध्यान से कोई पढ़ लेगा तो सारे कंफ्यूजन वहीं पर समाप्त हो जाए। अनुच्छेद 239 AA के साथ अनुच्छेद 239 AA 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के बारे में किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 239 AA 3C इसके तहत संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप को बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय ढांचे की बात सारे लोग करते हैं, कल कोई तमिलनाडु में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ना जी मैं नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि वह पूर्ण राज्य है। आप ये सारी आर्ग्यूमेंट करते वक्त ये भूल जाते हैं कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र पूर्ण राज्य नहीं, इसका यूटी से भी एक अलग स्टेटस है और इसके लिए संविधान के अंदर अलग प्रोविजन है। और जो कहते हैं कि हम पावर हंग्री हैं, मान्यवर ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो जरा आईने में अपना चेहरा एक बार देख ले, उन्होंने क्या क्या किया। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, 2014 से लेकर अब तक देश में कई चुनाव लड़े हम, कई चुनाव हारे भी, कई चुनाव जीते भी। ना हमें हारने का भय है, ना जीतने का अहंकार है। मान्यवर हम तो वो पार्टी से आते हैं जिनके कभी लोकसभा में दो सदस्य हुआ करते थे,
और वो दो सदस्य देखकर कांग्रेस की ट्रेजरी बैंक से ताने लगाए जाते थे, हम दो और हमारे दो। शक्ति सिंह भाई ने ठीक ही कहा, जो इतिहास को भूल जाते वो इतिहास बन जाते हैं। शक्ति सिंह जी, ये कहावत नहीं, मैं तो सदन में ही देख रहा हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास ही बन जाते हैं। जो ताने लगाते थे साहब हमें कि हम दो हमारे दो, उनको मालूम नहीं था लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान परिवार नहीं होता है, 130 करोड़ की जनता हो, 130 करोड़ की जनता हो। और आज भी मैं कहता हूं, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। हम नहीं भूले इतिहास को। माननीय, मैं इस बात पर बाद में आऊंगा, सबसे पहले मैं जो फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देते हैं और यहां पर जो चर्चा होती है उसमें हम अनजाने में, अज्ञान से या आशय के साथ जो भी बात करते हैं, इसको देश श्रद्धा से देखता है। अगर गलत बात करते हैं तो गुमराह भी होता है। इसलिए मेरा दायित्व है कि जो गलत बातें करी गई है उसका मैं एक एक करकर स्पष्ट उल्लेख करूं। यह बिल फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से कोई आघात नहीं करता। माननीय, फेडरल स्ट्रक्चर पर तो आघात तब होता जब किसी पूर्ण राज्य के लिए मैं बिल लेकर आता। सबको मालूम है दिल्ली संघ राज्य है और राजधानी क्षेत्र के सरकार का एक अलग कानून है, इसके लिए एक अलग प्रोविजन किया है। और जो लोग सत्ता में हैं और हर रोज आहे तोबा करते हैं, उनको चुनाव लड़ते वक्त ये देख लेना चाहिए कि लड़ने के बाद कितने अधिकार मिलेंगे। अगर ये अधिकार से संतुष्टि नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए। आप संघ राज्य क्षेत्र का, एनसीडी का चुनाव लड़ो, यहां राजधानी क्षेत्र का चुनाव लड़ोगे और मांग और महत्वाकांक्षा पूर्ण राज्य की रखोगे, ये तो संभव ही नहीं। कहीं ना कहीं आपकी सोचने में थोड़ा फर्क है, इसको रिपेयर कर लीजिए तो सारी चीजें अपने आप समझ में आती। इसको समझने के लिए माननीय स्पिरिट से संविधान को देखना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी जी और शक्ति सिंह भाई भी यही बात को कहते, हालांकि शक्ति भाई बाद में मोरालिटी पर आ गए संविधान से निकलकर, परंतु मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। माननीय, जब ये कानून लाया गया तब तत्कालीन देश के गृह मंत्री ने जो बात कही है मैं पढ़ना चाहता हूं, और मैं बता दूं वो हमारी पार्टी के नहीं थे, उन्हीं की पार्टी के श्री चिदंबरम जी थे और बहुत अच्छे धाराशास्त्री भी हैं। उन्होंने जो मैं कह रहा हूं वो सभी लिखा है संविधान के अनुच्छेद 300 और 239(a)(3)(c) के तहत, परंतु के आधार पर डीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला अगर विधानसभा करती है तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बगैर अमल में नहीं आ सकता। एक, इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीडीटीडी के लिए किसी भी मामले, ब्रैकेट में उन्होंने स्पष्ट किया अपनी पेन से, अर्थात तीनों सूचियों में से कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां निहित है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 239(a)(3)(c) के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी गई हो, संसद मतलब वो अधिनियम जो दिल्ली सरकार ने पारित किया है, सहमति दी गई हो, संसद किसी भी समय एक ही मामले में कोई भी कानून बना सकता है, इसको संशोधित भी कर सकता है, इसको निरस्त भी कर सकता है, जो मैं कर रहा हूं।
अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आज चिदंबरम साहब क्यों नहीं आ रहे, होते तो काफी स्पष्टता हो जाती, वही खड़ा होकर इनको समझा देते कि बैठ जाओ भैया, मैंने ही कहा है आप काहे पे सारी बवाल कर रहे हो, अगर होते तो कह भी देते माननीय, मगर मालूम नहीं कल मेरा भाषण सुनकर ना आए या इनको थोड़ी सरलता रहे बात करने की इसलिए नहीं आए। मैं कल पूछने का प्रयास करूंगा अगर मेरा फोन वो उठाएंगे तो। मान्यवर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने भाषण के अंदर लोकतंत्र, फेडरल स्ट्रक्चर ये सारी बातें कही। अभिषेक मनु सिंघवी जी अगर टीएमसी से आते तो थोड़ा बहुत करते तो मैं अलग जवाब देता, मगर कांग्रेस से आते हैं, इमरजेंसी डालने वाली पार्टी, एक ही अधिनियम, देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेने वाली पार्टी, विपक्ष के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कोई दोष के बगैर जेल में डाल देने वाली पार्टी, मान्यवर सभी, मैं बताता हूं क्या व्यवस्था है, मैं बताता हूं, माननीय गृह मंत्री जी बोले कृपया सीट पर बैठ कर, मान्यवर प्लीज, सारे देश के अखबारों का, अखबारों की स्वतंत्रता का गला घोटने वाले पार्टी, पिक्चर के गाने ड्यूएट होते थे वो भी किशोर कुमार की आवाज छुपा देने वाली, कटवा देने वाली पार्टी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। और फौजिया खान जी ने ठीक कहा, फौजिया खान जी ने ठीक कहा कि कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा, आज भी ये समर्थन कर रहे मुझे रोक टोक कर, आज भी समर्थन कर रहे हैं। मान्यवर फौजिया खान जी ने ठीक कहा कि देश में इमरजेंसी का कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, ना आज भी मैं आपको कहता हूं मत करिए वरना बहुत दिक्कत है। प्लीज 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 माननीय गृह मंत्री प्लीज मान्यवर बोले सीट पर, सीट सीट पर मान्यवर बोले प्लीज प्लीज। तो आप टिप्पणी आप नकारते हैं क्या? प्लीज आपस में बात न करें प्लीज। मान्यवर उन्होंने कहा कि प्लीज प्लीज, मान्यवर उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का भाई? चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डायल्यूट हो जाएगी क्या? मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि निचले मतलब स्थानीय निकायों के अंदर चुनाव समय पर होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है भाई? कितने चुनाव अटका कर बैठ गए? क्यों बैठ गए? अगर स्पीड थी तो भाषण में कहते हमारी महाराष्ट्र सरकार भी ठीक नहीं कर रही है। और ये हमारे माननीय सदस्य तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार जी बोले, मैं जवाहर सरकार जी को बताना चाहता हूं, जवाहर सरकार जी अभी क्या हुआ है बंगाल के अंदर, जरा बोल देते अच्छा लगता, आप तो कम से कम स्प्रिट वाले लगते। 2020 में चुनाव होना था, 22 में कराया, कोई कारण नहीं, और एडमिनिस्ट्रेटर भी अपने एमएलए को बनाया। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कहां बोल रहे हैं? ये अज्ञानियों का मेला है क्या? कोई बंगाल को नहीं देखता? हम देख रहे हैं साहब, कम से कम आप तो मत बोलिए, और लोग बोले जिन्होंने नहीं किया है। और आज भी मान्यवर
2022 हो गया, 20 में चुनाव ड्यू थे, 4 कॉरपोरेशन और 108 नगर पालिकाओं में चुनाव नहीं कराया गया, कोई कारण भी नहीं कहते हैं। और हमें पूछ रहे हैं कि चुनाव टाल रहे हो, अरे भाई जरा आईने में अपने आप को देखो, आत्मचिंतन करो। हमें पावर हंग्री कहा जा रहा है, मैं कभी नहीं छिपाता माननीय, मैं कह देता हूं मैं चाहता हूं कि हर चुनाव में मेरी पार्टी जीते, ऐसी मेरी मंशा भी है और हम प्रयास भी करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र में हर दल प्रयास करेगा। तो क्या आप चुनाव हारने के लिए मैदान में उतरते हो? हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरती है, मगर हमारा रास्ता कार्यकर्ताओं को मार देने का नहीं है जवाहर साहब, कार्यकर्ताओं की पत्नियों पर बलात्कार करने का नहीं है, उनको ओडिशा तक भाग जाना पड़े, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता चुनाव का रास्ता है, चुनकर हम आना चाहते हैं, लोकतंत्र के आधार पर आना। हमारी मंशा पर कैसे सवाल कर रहे हैं माननीय? मैं बताना चाहता हूं ये क्यों लाना पड़ा है। आज मैं जब यहां पर हूं तब संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है, संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता माननीय। आजकल कर मुझे 27 साल हो गए किसी ने किसी विधायिका में रहते हुए, मैं इसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, परंतु सदन की मान्य भाषा में जवाब जरूर दूंगा और मेरा अधिकार है माननीय। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है, अरे भाई फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं, बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। माननीय, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई, और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा, उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज 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 बोलता हूं मैं, माननीय एलओपी प्लीज प्लीज सीट पर बैठ कर बात करो, माननीय एलओपी प्लीज प्लीज प्लीज। और माननीयवर कोई माननीय गृह मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा प्लीज, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से और भय के आक्रांत से बिल लेकर आए। माननीयवर मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई, हमें डरने की जरूरत नहीं माननीयवर। मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है, जिस प्रकार का, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। माननीयवर हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है, उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है, भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? माननीयवर मैं कुछ बताना चाहता हूं, यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो, दिल्ली का पांचवा वित्त आयोग जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा, दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई, 21,000 करोड़ के आधा आधा कर दिया, 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया माननीय, और इसका कारण भी नहीं दिया,
क्यों नहीं दिया? हमने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को जो पांचवें दिल्ली वित्त आयोग ने की उसको मानो ऋण माफी नहीं माना। शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना। स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना। बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना। और ये कहते कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। मान्यवर, टोटल पांच साल के बाद तीनों निगम की कुल देनदारी 16,415 करोड़ है और 19,000 करोड़ इन्होंने तो यही नहीं दिए, बाकी नीचे का तो अलग टोटल होता है। ये 19,000 करोड़ देते तो आज तीनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट में होते और 3,000 करोड़ रुपया और नगर निगमों को सुविधाओं के लिए प्राप्त होता। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर? ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राही माम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है, जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते। मान्यवर, जिस प्रकार से हमने तीनों निगमों ने व्यवसायिक कर को बढ़ाने के लिए 2020 में प्रस्ताव भेजा, जवाब ही नहीं। वो सहायता तो देते नहीं है, कर बढ़ाने नहीं देते। तीनों निगमों द्वारा एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा, कोई जवाब नहीं है, परमिशन नहीं देते। जो कह रहे हैं ना क्यों दखल कर रहे हो, मैं कारण दे रहा हूं। एनडीएमसी ने स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए प्रस्ताव हुआ, कोई जवाब नहीं है। दक्षिणी निगम की मंशा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट अच्छी थी, दक्षिणी निगम ने कहा कि हम बॉन्ड लाकर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बॉन्ड लाकर हमारा निगम चलाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दी। शराब और ईंधन पर बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी से अर्जित राजस्व, साहब इतनी शराब की दुकानें खोल दी है, मुझे तो कई बार होता है लगता है पूरा दिल्ली में खड़ा ना हो, मगर ठीक है, जो करना था वो आपने कर दिया। इसके राजस्व में नगर निगम का हिस्सा देते ही नहीं है मान्यवर, ये कैसे चला ना? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इस इनकम कैसे बढ़ जाएगी, 1+1+1 का थ्योरी समझाया। आप क्या समझते हो? आप न समझाते हो तो हम नहीं समझते, हम भी समझते हैं, मगर तीन निगमों में से एक निगम की आय ज्यादा है, दूसरे की मध्यम है और तीसरे की कनिष्ठ है। तीनों अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो कठिनाई कम होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कम होगा, कमिश्नर एक हो जाएगा, मुख्यालय एक हो जाएगा, चीफ इंजीनियर एक हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं, खर्चा भी कम होगा, और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है मान्यवर? और मुझे सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या दिया दिल्ली सरकार को? मान्यवर, मैं 2011 से बोलना चाहता हूं, 10-11 से, 10-11 में 443 करोड़, 11-12 में 582 करोड़, 12-13 में 800 करोड़, 13-14 में 582 करोड़, उसके बाद हम आए, 14-15 में भी हम नहीं थे मगर 568 करोड़, हम आने के बाद 2016-17 में दिल्ली को देने वाला पैसा 817 करोड़, 857 करोड़, 887 करोड़, 19 में 812 करोड़, 20 में 1116 करोड़, 21 में 1030 करोड़ और 22 में 1000। मान्यवर, इसमें भी अर्थ सत्य है। एक तो हमने एक पैसा भी कम नहीं किया है, डबल किया है जो पहले से कांग्रेस सरकार से चला आता है। मैं नहीं कहता कांग्रेस सरकार कम दे रही थी, मगर जो दिया जाता था उसमें हमने एक काने की भी कटौती नहीं की है। मान्यवर, मैं फ्लोर पर बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। मान्यवर, फिर भी ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसलिए इन्होंने एक ही मद को किया है। टोटल कर एवज में केंद्रीय सहायता, ग्रांटिन एड, यूटी का आपदा राहत फंड, एक्सटर्नल एड और प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फंड होता है। पुलिस का खर्चा पूरा भारत सरकार उठाती है,
ये सब मिला मिलाकर 17,000 करोड़ से ज्यादा हर साल दिल्ली की जिम्मेदारी भारत सरकार की। मगर आंकड़े ऐसे रखेंगे भाई, मेरी पार्टी के तो संस्कार ऐसे नहीं है, मालूम नहीं कि आप कैसे बोलना चाहते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना इसके अंदर ये बिल लाने में सरकार ने कोई संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, हर संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए ये बिल लाए हैं। ये बिल में हमारी कोई मंशा नहीं है, ना ही इस बिल के लागू होने के बाद, निगमों की तिथि समाप्त होने के बाद हम कोई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर रखने वाले हैं। एक स्पेशल ऑफिसर आएगा एक्ट के तहत, वो पुराने एक्ट का प्रोविजन है, नए एक्ट का प्रोविजन नहीं है, जो पहले से एक्ट था उसी का है। हम कोई पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं रखेंगे बंगाल की तरह, मान्यवर, एक स्पेशल ऑफिसर आएगा जो ऑफिसर इसको चलाएगा। और चुनाव चुनाव भी मान्यवर समय पर ही होंगे, चुनाव के समय से हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है उनको चुनाव का हवा लग रहा है। मान्यवर, हम तो हर जगह ऑल इंडिया पार्टी है, हम हर जगह हर महीना कोई ना कोई स्थानीय इकाई का चुनाव होता है, और हमारी देश में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह पे अलग पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कभी हमने दोहरा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में बहुत सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी भी है, कहीं हमारे पास आज तक दोहरा व्यवहार नहीं हुआ। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है, दिल्ली की जनता इसको अच्छे से जानती है। मुझे लगता है हमारे गुजरात में कहावत है, हवेली लेता बड़ोदरु खोयू। एक गायकवाड़ की हवेली थी अहमदाबाद में, वो लेने के लिए गायकवाड़ सरकार हमला लेकर आए और कोई बड़ोदा ही पूरा छिन गया था। अगर आप इस तरह से सत्य जो नहीं है वो बताते रहेंगे, असत्य बात सदन के अंदर करते रहेंगे, तो मान्यवर एमसीडी लेते लेते दिल्ली सरकार शायद आपकी न चली जाए, इसकी जरा चिंता करना। क्योंकि एमसीडी पर जो प्रताड़ना आप कर रहे हो, एमसीडी को जो आप प्रताड़ित कर रहे हो, वो एमसीडी को नहीं कर रहे हो, दिल्ली की जनता को कर रहे हो। दिल्ली की जनता भी मेरा ये भाषण सुन रही है मान्यवर, और जाकर हम गली मोहल्ले में बताएंगे भी। इसलिए हमें चुनाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक आनंद फानंद में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, शायद वो गलती के बाद भी राज्य सरकार का सौतेला व्यवहार न होता तो निगम चला भी लेते, मगर आज स्थिति ऐसी हुई है मान्यवर कि चलाना असंभव है। इसके लिए इसको एकीकृत करने का मैं प्रस्ताव लेकर आया हूं, कृपया सभी लोग इसका समर्थन करें, ऐसा सबको अनुरोध कर मेरी बात को समाप्त। धन्यवाद।